एट नंबर देखते हैं। एट नंबर में देखिए इक्वेशन दिया हुआ है टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में टू। सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का जेड इक्वल टू में फाइव। थर्ड इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस का वाई माइनस का टू जेड इक्वल टू में सिक्स। चलिए अब इसके बाद ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू में, यहाँ पर हम लोग थ्री बाई थ्री ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट होंगे। टू वन 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 थ्री माइनस वन थ्री वन माइनस का टू। अच्छा एक्स का वैल्यू तो यही जो यहाँ पे वेरिएबल है उनको एक कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड, और बी का वैल्यू तो जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं इक्वल में इनको ले लेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स में टू टू फाइव सिक्स। अब इसके बाद देखिए ए का इनवर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं आर वन के अकॉर्डिंग। टू लेते हैं यहाँ पे ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू थ्री माइनस वन वन माइनस टू, फिर माइनस वन ये निगेटिव में होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू वन माइनस वन थ्री माइनस का टू। ठीक है फिर प्लस का वन लेंगे ये रो ये कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू वन थ्री थ्री वन। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टू इंटू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सिक्स और प्लस का वन। ठीक है फिर माइनस वन इंटू में माइनस का टू प्लस का थ्री, फिर वन इंटू में वन माइनस का नाइन। ठीक है तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू इंटू में माइनस का फाइव माइनस वन इंटू में प्लस का वन, और फिर उसके बाद हो जाएगा वन इंटू में माइनस का एट। ठीक है चलिए अब इसके बाद माइनस टेन माइनस वन और माइनस का एट क्या हो जाएगा माइनस का नाइनटीन आएगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। ये ना हो जाएगा जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो हर एक एलिमेंट का पहले को फैक्टर निकालते हैं सी वन वन ये पॉजिटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा माइनस का सिक्स और प्लस का वन यानी माइनस का फाइव। सी वन टू ये आपका निगेटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस का टू और प्लस का थ्री तो आ जाएगा अंदर वन बाहर माइनस है तो माइनस वन। सी वन थ्री ये पॉजिटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि आ जाएगा वन माइनस का नाइन यानी कि आ जाएगा माइनस का एट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सी टू वन ये आपका निगेटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस का टू माइनस का वन तो अंदर हो जाएगा माइनस का थ्री और बाहर माइनस है तो प्लस थ्री। सी टू टू ये पॉजिटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस फोर माइनस का थ्री यानी माइनस का सेवन आ जाएगा। सी टू थ्री ये आपका निगेटिव होता है ये रो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा टू माइनस का थ्री यानी माइनस वन अंदर आएगा बाहर माइनस है तो प्लस का वन हो जाएगा। सी थ्री वन ये पॉजिटिव होता है ये रो ये कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस वन माइनस का थ्री यानी कि माइनस का फोर आ जाएगा। सी थ्री टू ये आपका निगेटिव होता है ये रो ये कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस का टू माइनस का वन माइनस का टू माइनस का वन यानी आ जाएगा माइनस थ्री बाहर माइनस है तो प्लस का थ्री हो जाएगा। सी थ्री थ्री ये पॉजिटिव होता है ये रो ये कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग इसके एडजॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर को सजा कर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया जाता है ना करते हैं जी। देखिए क्या है माइनस फाइव माइनस वन माइनस का एट थ्री माइनस सेवन वन माइनस फोर थ्री फाइव का ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आ जाएगा माइनस फाइव माइनस वन माइनस का एट थ्री माइनस सेवन वन माइनस फोर थ्री फाइव ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब इसके बाद ए के इनवर्स की बात करें तो वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस नाइनटीन है और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने यहाँ निकाल ही दिया है माइनस फाइव थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस सेवन थ्री फिर माइनस का एट वन फाइव यही ना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक्स के वैल्यू की तो वो किसके इक्वल होगा ए इनवर्स बी के ना तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ था वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड ए का इनवर्स वन बाई माइनस नाइनटीन और यहाँ पर इंटू में है माइनस फाइव थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस सेवन थ्री
माइनस 815 और इनटू में बी का वैल्यू, तो एक कॉलम मैट्रिक्स ऊपर है हमारे पास, क्या है 256 यहाँ पे रख देते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर -1/19 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 10 और प्लस का 15 और माइनस का 24, ठीक है। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 35 प्लस का 18, ठीक है। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 16 प्लस का 5 प्लस का 30। चलिए अब आगे इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, एक्स वाई जेड ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और इधर -1/19 यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें -9 और -10 तो माइनस का 19 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए अब इसके बाद ये दोनों मिलके माइनस का 37 और 18 है, तो 37 है और 18 है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 19 आएगा ही माइनस का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 35 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा 19 ही प्लस का, तो -1/19 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x y z और यहाँ आ जाएगा आपका 1 1 -1, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू -1। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन।